हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग एल्कीन्स पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब हम लोग जो कंपाउंड लेने वाले हैं, दैट इज RX, अल्काइल हैलाइड, है ना। इसका हम लोग क्या कराएंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। मतलब हम इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव कराएंगे और हेलोजन भी रिमूव कराएंगे। तो अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स को हम लोग हीट करते हैं KOH या NaOH के साथ, और NaOH और KOH का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो एक्वस नहीं होगा, वो अल्कोहलिक होगा। मतलब हम उसको अल्कोहल में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, और इससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट इज एल्कीन, और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड बाहर आ जाएगा हमारा, है ना। तो देखिए एक रिएक्शन हम समझते हैं। जैसे हमारे पास है CH3CH2, है ना, आप देखिए। तो इसमें जो हमारा कॉर्नर वाला कार्बन है, इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये एक हेलोजन हो गया, है ना। और हाइड्रोजन तो सभी कार्बन के साथ प्रेजेंट है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करा रहे हैं। मतलब हम लोग हेलोजन और हाइड्रोजन भी रिमूव कराएंगे, दोनों चीज़ें, है ना। तो हमारे पास रिएक्टेंट है एक और साथ में KOH, पोटेशियम के साथ ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, तो क्या बना, KBr। आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी जिसमें पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे करके नीचे जाते थे, है ना, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन बीच में आता था। ये रिएक्टिविटी सीरीज थी हमारी। तो उसमें क्या होता था कि जो सबसे ऊपर जो चीज है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, है ना। ऊपर वाला नीचे वाले को कर सकता है रिप्लेस, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करा सकता। तो जैसे हमें पोटेशियम मिला, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो ब्रोमीन के साथ KBr बना लेगा सबसे पहले अलग। अब आपके पास यहाँ कौन बच गया, OH, और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, तो क्या बना, HOH, मतलब वाटर। तो अब आपके पास कौन बच गया, ये CH3CH CH2। अब आपका जो CH था सेंटर वाला, उसका एक बॉन्ड खाली हो गया, और जो कॉर्नर वाला CH2 था उसका एक बॉन्ड खाली हो गया। दोनों खाली बॉन्ड्स को हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे, है ना। और बाकी का हमारा जो आगे वाला इधर का कार्बन था CH3 वाला, वो एज इट इज है। तो ये जो दोनों खाली बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन आपस में शेयर कर लेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। इस प्रकार से हमारा एक एल्कीन डेरिवेटिव बन गया, तीन कार्बन का, प्रोपीन। सेम चीज़ है यहाँ भी स्टूडेंट्स, देखिए सेट्ज़ेफ्स रूल ओबे होगा। मतलब प्रोपीन में एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इधर वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर जाए, है ना। तो फिर उस केस में क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ज्यादा वाले हाइड्रोजन जब भी यूज होंगे तो माइनर बनेगा, और कम वाले यूज होंगे तो मेजर। ये एच ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो अगर हम लोग इस साइड से बनाते तो माइनर बन जाता। तो ये रिएक्शन भी आपका सेट्ज़ेफ्स रूल को ओबे करेगा। इसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है हमारा प्रिपरेशन मेथड का, दैट इज डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब बात यह है कि विसिनल डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन कराना है। देखिए डीहैलोजिनेशन मतलब सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हेलोजन्स को रिमूव कराएंगे। पहले डीहाइड्रोहैलोजिनेशन था, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों करा रहे थे। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेलोजन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला जो कंपाउंड होंगे, एटम्स होंगे, एक्स हेलोजन उन्हीं को रिमूव कराएंगे। अब बात ये होती है स्टूडेंट्स की, ये विसिनल डाइहैलाइड क्या, देखिए डाइहैलाइड मतलब आपके पास दो हेलोजन्स होंगे, है ना। और विसिनल से क्या मतलब हो गया, विसिनल से हमारे वो कंपाउंड्स हो गए जिसमें ये दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हों। जैसे यहाँ आप देखिए तीन कार्बन की चेन है, 1 2 3, और दो हेलोजन्स हैं, लेकिन दोनों हेलोजन्स बराबर वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस तरीके का कंपाउंड जो होता है हमारा, दैट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड्स। तो जो हमारे विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड्स हैं वो हीट होते हैं जिंक के साथ में, जिंक डस्ट के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और इससे रिजल्टेंट हमको मिलते हैं एल्कीन्स। जैसे आप यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन है,
दो में हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, लेकिन दो कौन से? कंटिन्यूअस एडजेसेंट वाले, है ना। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा विसिनल डाइहैलाइड। यहां से हमने लिया एक ब्रोमीन और एक और ब्रोमीन। जिंक, जिंक की वैलेंसी होती है 2+, है ना। तो दो ब्रोमीन अटैच हुआ, ZnBr2। अब आपके पास एक दूसरे नंबर वाला कार्बन है जिसके साथ H लगा था, और ये तीसरा CH2 और पहला वाला CH3। अब आप देखिए, हम दोनों कार्बन की वैलेंसी, जो खाली बॉन्ड्स हैं उनको हम ग्रीन कलर से इंडिकेट कर देते हैं। ये अब ये दोनों आपस में जुड़ गया, तो आपके पास यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके का कंपाउंड बना आपका प्रोपीन। फिर हमारा जो नेक्स्ट एक रिएक्शन है, दैट इज कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन्स का हाइड्रोजिनेशन कराना है, ठीक है, लेकिन कैसा? कंट्रोल मतलब रिएक्शन रेट हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मॉनिटरिंग में रख के कराना पड़ेगा। लिमिटेड अमाउंट में हम लोग रिएक्शन रेट को प्रोसीड कराएंगे। यहाँ पर क्या होगा, YNE कंपाउंड जो एल्काइन्स, वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, और कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन कराने के लिए हमको एक कैटलिस्ट लगेगा, विच इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट का क्या मतलब है कि पैलेडियम जो है उसको हम पहले रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट और क्यूनोलिन के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब देखिए, आपने लिया प्रोपाइन, तीन कार्बन वाला, है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसके साथ आपने H2 रिएक्ट कराया। देखिए, आप ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे फोकस कीजिए। इसमें से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़िए, उस बॉन्ड को भी हम लोग देखिए ब्लू कलर से तोड़ रहे हैं। अब हमारा कंपाउंड कैसा बना, ये दो कार्बन हो गए, है ना। अब इन दोनों के पास एक एक खाली बॉन्ड हुआ, वो खाली बॉन्ड को हम लोग अभी रेड कलर से इंडिकेट करिए। ये देखिए, दो खाली बॉन्ड्स हुए। अब इन दोनों खाली बॉन्ड्स पर हम लोग क्या कराएंगे, जो हम H2 दिए थे उसका एक एक ऐड कराएंगे, एक एच और एक और एच। तो ये एक एक इसमें अटैच हुआ। अब आपके पास क्या बना, पहला वाला CH3 तो एज इट इज था, वो पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरा वाला कार्बन, फिर ये तीसरा वाला कार्बन, इनके बीच का एक बॉन्ड टूटा तो प्रेजेंट हो गया दो बॉन्ड। इसका एक हाइड्रोजन ऐसा ही है, और दो में से एक एक अटैच हुआ, तो इसके एक खाली बॉन्ड पे हाइड्रोजन और इसके एक और खाली बॉन्ड पे, इस तरीके से बना प्रोपीन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स जो होते हैं वो हीट होते हैं 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंस में। और यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कि ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस है ये एब्सेंस ऑफ एयर में होगा, यानी कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी, और इससे लोअर एल्कीन हमको मिल जाएगा, है ना। जैसे अपन इथेन की बात करें तो एक दो कार्बन है, एन वाला कंपाउंड है, तो सिंगल बॉन्ड होगा, सभी तरफ हाइड्रोजन लगाइए, है ना, इसको 500-800 डिग्री पे तोड़िए, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन टूट गए, दो हाइड्रोजन टूटे तो आपको मिला H2। अब आपका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ये ऐसा, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन और इसके दोनों। अब हमारे पास दोनों कार्बन के एक एक वेकेंट बॉन्ड्स हैं, उन वेकेंट बॉन्ड्स को हम ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं, एक ये और एक ये। तो ये दोनों बॉन्ड्स आपस में जुड़ गए, इस प्रकार से आपको एक डबल बॉन्ड कंपाउंड मिला इथीन नाम का। तो ये थे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन मेथड्स। देखिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि जो भी हमारे लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर मेंशन करते वक्त ध्यान, मीथेन नहीं होता, मीथेन को हम मेंशन नहीं करेंगे। हमारे लोअर मेंबर है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और ये रूम टेम्परेचर में गैसेस फॉर्म में होते हैं। फिर इसके अबव मेंबर तीन है, वहां से लेके 17 कार्बन तक दे आर लिक्विड्स, और C18 वाले जो हैं दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। एल्केन के केस में वैक्सी सॉलिड्स थे, यहाँ पर केवल सॉलिड्स हैं, है ना। एल्कीन जो हैं दे आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में थोड़ा सॉल्यूबल होंगे, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फ्रीली सॉल्यूबल होंगे। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब आप किसको ले सकते हैं, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल,
ऐसी चीजें, ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आ जाएंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगेन इंक्रीज होगा विथ मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसा साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। सेम लॉ एप्लीकेबल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी। जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे ही जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ फिजिकल प्रॉपर। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें E1 E2 रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप इतना कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं E1 E2 रिएक्शन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।